नमस्कार दोस्तों मैं आर्यक कुशवाहा। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी पज़ल लेके आया हूँ जो बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। और ऐसी पहेली अक्सर आप लोगों से पूछी जाती है, लेकिन आप उसका जवाब तो दे देते हैं लेकिन कुछ टाइम आपको लगता है। लेकिन दोस्तों मेरे, आज मैं आपको एक ऐसा फंडा बताएंगे, एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसे आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकेंगे। तो पहली कुछ इस प्रकार है दोस्तों, जो कि हमने बनाई है। तीन मंदिर हैं, प्रत्येक मंदिर के सामने एक जादुई नल है। एक पुजारी कुछ फूल बगीचे से तोड़कर लाता है और पहले नल पर जैसे ही फूल धोता है, फूल दोगुने हो जाते हैं। तब पुजारी कुछ फूल पहले मंदिर में चढ़ा देता है, फूल जो दोगुने हो जाते हैं उनमें से पुजारी कुछ फूल पहले मंदिर में चढ़ा देता है। इसके बाद जो शेष फूल बचते हैं, इसके बाद पुजारी सेकेंड नल पर फूल धोने जाता है, पुनः फूल दोगुने हो जाते हैं। इसके बाद पुजारी कुछ फूल सेकेंड मंदिर में चढ़ा देता है। इसके बाद शेष फूल पुजारी थर्ड नल पर धोने जाता है, यानी तीसरे नल पर धोने जाता है, फूल पुनः दोगुने हो जाते हैं। अंत में पुजारी सभी फूल तीसरे मंदिर में चढ़ा देता है। बताओ पुजारी प्रारंभ में बगीचे से कितने फूल लेकर चला, प्रत्येक मंदिर में समान संख्या में कितने फूल चढ़ाए। दोस्तों जब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं आज मैं आपको मैथमेटिकली तरीके से ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे, और ये समझो एक मैथ का भी क्वेश्चन है, समझो ऐसा मत समझो, मैथमेटिकली तरीके से एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसके माध्यम से आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकेंगे। और लास्ट में दोस्तों आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे। यहाँ तो अभी हमने तीन मंदिर लिए, ओनली तीन मंदिर। अगर इंसान कह दे 50 मंदिर हैं, 100 मंदिर हैं, 150 मंदिर हैं, तब क्या इतना लंबा आप प्रोसेस करेंगे? नहीं दोस्तों, हम लास्ट में एक ऐसी ट्रिक बताएंगे, आप ओनली बस ट्रिक लगाओ सीधा आंसर, लेकिन बताएंगे लास्ट में। पहले आपको डिटेल में बताएंगे, उसके बाद लास्ट में वो ट्रिक बताएंगे दोस्तों, ठीक। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सुनना जरा ध्यान से दोस्तों। चलो हम इसे मिटा दें, थोड़ा सॉल्व करने के लिए जगह हो जाए मेरे पास दोस्तों। हाँ क्वेश्चन तो आपने समझ ही लिया दोस्तों। तीन मंदिर हैं, ये फर्स्ट मंदिर है, मंदिर फर्स्ट, और ये सेकंड मंदिर है, समझो, और ये कौन सा है दोस्तों, थर्ड। अब दोस्तों देखना दोस्तों, हर एक मंदिर के सामने एक नल है, हर एक इस मंदिर, ये सामने मंदिर है, इसके सामने क्या है, एक नल है, समझो, इस मंदिर के सामने एक नल है दोस्तों, समझ लो, और एक नल है ये, ठीक है दोस्तों। पुजारी क्या करता है, कुछ फूल बगीचे से तोड़ता है तो यहाँ वो लाता है और इनको धोता है। तो दोस्तों हमने मान लिया, हम यहाँ पर मान ले रहे हैं, माना पुजारी ने प्रारंभ में, दोस्तों हम डिटेल में बता रहे हैं, लास्ट में आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे आप सेकंड में सॉल्व कर सकेंगे। माना पुजारी ने प्रारंभ में बगीचे से एक्स फूल तोड़े, ठीक दोस्तों। अब जब एक्स फूल तोड़े तो इसने इस नल पे इन एक्स फूलों को धोया, तो दोस्तों ये धोने के बाद फूल कितने हो गए, 2x, फूल दोगुने हो जाते हैं, ये रूल है, जादुई नल है भाई, फूल दोगुने कर देता है दोस्तों। जब दोगुने फूल कर देता है तो माना कि जब पुजारी इस फर्स्ट मंदिर में आया तो हमने मान लिया दोगुने फूल में से वह फर्स्ट मंदिर में 22 फूल चढ़ा देता है, कितना, माना फर्स्ट मंदिर में 22 फूल चढ़ा देता है, इस चीज को हमने मान लिया। और क्वेश्चन कहता है समान संख्या में कितने फूल चढ़ाए, ये लास्ट में क्वेश्चन था, तो इसका मतलब अब वो 22 ही फूल चढ़ाएगा हर एक मंदिर में 22 ही फूल चढ़ाएगा। माना कि समान संख्या में उसने हर एक मंदिर में कितने फूल चढ़ाए, 22 फूल चढ़ाए दोस्तों। अब ये फूल चढ़ने के बाद शेष इतने फूल बचे, ठीक। अब यही फूल पुजारी सेकेंड नल पर जाता है लेकर, ये दोस्तों सेकेंड नल है, ये दोस्तों कौन सा नल है, सेकेंड नल है, ठीक।
पुजारी ये वाले फूल लेके गया, कितने फूल 2x-y। जैसे ही पुजारी ने इन फूलों को धोया तो ये फूल हो गए दोगुने, यानी 2x-y का दोगुना हो गया 4x-2y। फूल दोस्तों दोगुने हो गए। अब दोगुने फूल जो हुए इनमें से उसने 22 फूल चढ़ा दिए, ये दोगुने फूल हैं, और कितने फूल चढ़ाता है हर एक मंदिर में 22 और हमने माइनस कर दिए, तो चढ़ाने के बाद शेष फूल बचे दोस्तों 4x-2y में से 1y माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा 3y। तो दोस्तों चढ़ाने के बाद शेष फूल कितने बचे 4x-3y। अब इन शेष फूलों को पुजारी थर्ड नल के पास लेकर गया, ये थर्ड नल है ठीक, तो 4x-3y फूल हैं इसमें। जैसे ही पुजारी ने इन फूलों को इस नल से धोया तो उसने क्या देखा, फूल फिर दोगुने हो गए। फूल दोस्तों हो गए थे 4x-8x-6y ठीक। अब दोगुने फूल हो गए 8x-6y, और इसमें से उसने 22 थर्ड वाले मंदिर पे चढ़ा दिए, तो बचे कितने 8x-6y और माइनस का y 7y। अब क्वेश्चन दोस्तों ये कहता है कि लास्ट में पुजारी सब फूल चढ़ा देता है, तो अंत में पुजारी के पास इतने फूल बचे थे, उसने सभी के सभी मंदिर में चढ़ा दिए, यानी पुजारी के पास फूल कितने बचे दोस्तों 0। अंत में इतने ही फूल उसने सभी मंदिर में चढ़ा दिए, तीसरे मंदिर में सब फूल चढ़ा दिए अंत में, तो उसके पास जो फूल क्या बचे दोस्तों 0 बचे, यानी इतने की वैल्यू बराबर हो गई 0। अब दोस्तों एक चीज देखना, अब थोड़ा यहां पर लॉजिक लगाएंगे कि एक्स और वाई की हम ऐसी कौन सी वैल्यू यहां पर शिफ्ट करें जिससे कि का नाम राइट हैंड साइड में 0 है, लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो जाए। दोस्तों ने लॉजिक लगाना, देखना दोस्तों 8x-7y। अब देखना दोस्तों, अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 1 रखूं, हमें देखिए पता है आंसर क्या करना है, आपको सिर्फ समझा रहे हैं, हमें तो डायरेक्ट ही पता है। अगर x की वैल्यू 1 रखूं और y की वैल्यू फर्ज करो 1 रखूं, तो क्या 0 हो जाएगा? नहीं होगा दोस्तों, 8 × 1 = 7, 1 × 7 यानी 1 बचेगा। दोस्तों ऐसे केस में आप क्या करेंगे, x की जगह पर ये वाले 7 रख देंगे और y की जगह पर ये वाले 8 रख देंगे। तो देखिए x बराबर 7 रख दें और y बराबर दोस्तों कितना रख दें, 8 रख दें, देखिए 0 हो जाएगा ठीक। कैसे, 8 × यहाँ पर 7 आएगा, 7 और y की जगह पर दोस्तों कितना आएगा 8, तो 8 × 56 - 8 × 56 यानी 0 = 0। तो कहने का मतलब वो ऐसी वैल्यू कौन सी है दोस्तों सही हमारी, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 8, ये वैल्यू हमारी बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब यह दोस्तों, इसका मतलब ये है कि पुजारी बगीचे से, हमने कितना लिखा, माना पुजारी प्रारंभ में बगीचे से x फूल तोड़े, तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी आई 7, तो यानी पुजारी बगीचे से x बराबर 7 फूल लेकर चला, पुजारी बगीचे से प्रारंभ में 7 फूल लेकर चला, लेकर चला, प्रारंभ में बगीचे से पुजारी 7 फूल लेकर चला था, ये हमारा पहला आंसर हो गया दोस्तों। दूसरे आंसर में कहता था कि पुजारी ने प्रत्येक मंदिर में कितने समान फूल चढ़ाए, तो वाई हमने क्या माना, माना प्रत्येक मंदिर में फूल चढ़ाए उसने 22, समान फूल है समझो ये, तो वाई की वैल्यू दोस्तों कितने आई 8, तो प्रत्येक मंदिर में, प्रत्येक मंदिर में चढ़ाए समान फूल बराबर कितने 8। दोस्तों यही हमारा आंसर है ठीक, आप चेक कर लेना, देखना चाहो तो आपको दिखा दें। देखिए मंदिर कितने थे, 3 थे, पहला दूसरा तीसरा, पुजारी 7 फूल लेकर चला, उसने पहले नल पर इन फूलों को धोया, फूल हो गए दोस्तों 14 ठीक, 14 में से उसने 8 इसमें चढ़ा दिए, अब उसके पास फूल कितने बचे 6, फिर 6 सेकेंड नल पर गया लोग लेके, है नहीं, तो 6 को उसने धोया, दोगुना हुए, 6 का दोगुना 12 हुआ, 12 फिर उसने 8 इसमें चढ़ा दिया, अब उसके पास कितने बचे 4, फिर उसने नल से धोया, 4 का दोगुना 8 और सभी इसमें इसने चढ़ा दिए, तो मतलब फूल कितने लेके चला था दोस्तों 7, और हर एक मंदिर में कितने चढ़ाए उसने 8। ये दोस्तों हमारा इसका एकदम राइट आंसर है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन ये बनता है कि अगर
आपसे कोई इतना बड़ा क्वेश्चन कह दे कि यहाँ तो हमने अभी थोड़े ही मंदिर लिए, अगर वो कह दे 10 मंदिर हैं, 20 मंदिर हैं, 30 मंदिर हैं, तब आप क्या इतना लंबा प्रोसेस करेंगे? तब दोस्तों आपको अब हम एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसका आंसर आप सेकेंडों में दे सकेंगे दोस्तों। बस सोचना, देखना जरा ध्यान से देखना। तो हम इसे मिटा दें दोस्तों। चलिए, आप समझ गए होंगे, आज से सोच के आंसर नहीं देंगे। आप तो दोस्तों पढ़े लिखे हैं भाई, सोच के आंसर क्यों दे रहे हैं? आधा घंटा सोच रहे हैं, हाँ इतना फूल लेकर चला नहीं बना, इतना फूल लेकर चला नहीं बना, ऐसा क्यों? आप पढ़े लिखे हैं भाई, मैथ की भाषा में आंसर दो लगा के सवाल। ठीक दोस्तों, अब एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। अब दोस्तों हम आपको एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप लोग ऐसे क्वेश्चन का आंसर सेकेंडों में दे सकेंगे। चाहे 10 मंदिर हो, 20 मंदिर हो, 50 मंदिर हो, चाहे जितने भी मंदिर हो दोस्तों, आप ओनली 2 या 3 सेकंड में आंसर दे सकेंगे, ये मेरा वादा है दोस्तों आपसे। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, जरा ध्यान से देखना। यहाँ आप लिख रहा है कि यदि मंदिरों की संख्या n हो, मंदिरों की संख्या दोस्तों क्या हो, बराबर n हो, तब प्रारंभ में फूलों की संख्या जो रहेगी दोस्तों वो रहेगी 2n-1। ठीक, 2n-1, ये पहला पॉइंट। तथा प्रत्येक मंदिर में समान संख्या में चढ़ाए फूल बराबर 2n। दोस्तों ये ट्रिक याद रखना। अब दोस्तों वही सवाल अगर हम इस ट्रिक से लगाएं, कैसे लगाएंगे देखना दोस्तों। क्वेश्चन ये था, 3 मंदिर कितने थे दोस्तों, 3। कितने थे मंदिर, 3 थे। ठीक, तो क्वेश्चन ये कहता था कि बताइए प्रारंभ में वो कितने फूल लेकर चला, कितने फूल लेकर चला। तो प्रारंभ में फूल बराबर क्या ट्रिक है दोस्तों, 2n-1। तो 2n-1, तो 2n मतलब 8-1, यानी प्रारंभ में दोस्तों कितना फूल लेकर चला वो, 7। तथा मंदिर में चढ़ाए फूल कितने, 2n। अब n की वैल्यू है 3, तो 2n का मतलब दोस्तों कितना होता, मतलब 8। कितनी जबरदस्त दोस्तों ट्रिक है। चाहे कितने भी मंदिर हो आप इस तरीका से लगा सकते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस लेंथी हो जाता है, वो तो हमने आपको समझाया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पर, हर जगह दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो लगा कैसा, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।